हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग के लिए कमाल का इन्फॉर्मेशन लेकर आए, जो कि आप अगर रेलवे में अगर सफ़र करते हैं तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण वाला जानकारी। वीडियो को बिना स्किप किए देखें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पटना कोलकाता एक्सप्रेस गरीब रथ, जो कि आपका कोलकाता से पटना के लिए सफ़र करती है और लोगों को आने जाने में सहूलियत पहुँचाती है, तो इसी पर बात करेंगे। क्या फेयर कब यह इसका इनॉग्रेल किया गया, हफ्ते में कितने दिन चलती है, क्या इसका डिपार्चर टाइम, तो चलिए इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये पटना कोलकाता गरीब रथ का इनॉग्रेल आपका 24 जनवरी सन 2008 यानी बृहस्पतिवार को इसका उद्घाटन किया गया था और वो आज तक कंटिन्यू चल रहा है। आप बता देते हैं कि ये हफ्ते में आपका 3 दिन चलता है, जो कि कोलकाता से पटना के लिए जाती है। पहले तो मंगलवार चलती है, उसके बाद बृहस्पतिवार और शनिवार, हफ्ते में 3 दिन। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इनकी कोचेस के बारे में। अगर कोच इसके बात करते हैं गरीब रथ के बारे में, तो ये मात्र 10 बोगियों वाला ये कोचेस है, जो कि आपका G1 से स्टार्ट होता है, G10 तक अंतिम होता है। अब इसका बात कर लेते हैं दोस्तों किराया। किराए में बात किया जाए तो ये इसका जो फेयर है मात्र 670 रुपये है। ये जनरल थर्ड AC का किराया है, क्योंकि इस गरीब रथ में थर्ड AC के सिवाय स्लीपर नहीं है। आप बात कर लेते हैं, अगर ये जनरल किराया लेते हैं तो आपको 670 रुपये देने होंगे और तत्काल के लिए 985 रुपये देने होंगे। अब बात कर लेते हैं होल्ट के बारे में। होल्ट इसका मात्र 11 होल्ट है कोलकाता से पटना के बीच में, और इसमें यह भी बता देता हूँ कि कैटरिंग का भी सुविधा इसमें उपलब्ध है। अब इसका कौन सा डिवीज़न इसका ऑपरेट करती है, तो ये बता देता हूँ। रेलवे ईस्टर्न रेलवे का जो डिवीज़न है दोस्तों, ये सियालदह डिवीज़न से चलती है। बता देते हैं कि ये पटना से कोलकाता के बीच जो डिस्टेंस यानी दूरी है 536 किलोमीटर की दूरी है, और टाइमिंग जो है पटना से कोलकाता के बीच में जो सफ़र होने वाला है, वो टाइमिंग आपका 9:15 का होने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे। आज के लिए